रावल वंश। और रावल वंश कब से कब तक चलेगा आपके? 1303 तक। ठीक है, अब रावल वंश का आपके संस्थापक आप किसको मान रहे हो? हाँ जी, रावल शेम सिंह। और इसका अंतिम राजा, अंतिम शासक रावल रतन सिंह, हस्बैंड ऑफ रानी पद्मिनी। आ गई मतलब अब, है ना, रतन सिंह। अब देखो राजाओं के नाम सुनो भाई, सबके आगे अपने को रावल लगाना है। रावल शेम सिंह, रावल सामंत सिंह, ये वाला तो आप छाप लीजिए, सामंत सिंह, रावल कुमार सिंह, रावल पदम सिंह, रावल जेत्र सिंह, फिर हम ले लें जेत्र सिंह के बाद में रावल तेज सिंह, फिर आ जाओ रावल समर सिंह, और फिर ले लो रावल रतन सिंह। ठीक है, अब इन सब का समय भी पता होना चाहिए अपने को, खाली आपको यहां तक का छापना है, बाकी का तो मैं लिखवाऊंगा आपको। ठीक है, इसका समय क्या रहेगा? 1158 से 72 तक, ये 1172 से 79 तक, ये 79 से 87 तक, ये आपके 92 से लेकर 1213 तक, 1213 से 1253, और ये आपके 1253 से 1273, 1273 से 1302, 1302, ये पूरी वंशावली आ गई। ठीक है, छापो तो छाप लो, वैसे तो आपको मैं लिखवाऊंगा ये सारे नाम, फिर भी आपको सीक्वेंस के लिए अगर आप याद रखना चाहो तो रख सकते हो। हाँ जी, हाँ ये वाला, इसके बाद क्या हुआ बताऊंगा, ये वापस आएगा, ये वापस आएगा, इसको पहले भगाएंगे फिर वापस लाएंगे, और फिर इसको तराइन के दूसरे युद्ध में लड़वाएंगे पृथ्वीराज थर्ड की तरफ से, और ये लड़ते हुए मारा जाएगा। लेकिन जब आप मार्केट के अधिकांश किताबों के देखोगे तो उसमें लिखा रहता है कि समर सिंह पृथ्वीराज चौहान की तरफ से लड़ता हुआ मारा गया। अरे भाई, 1192 में तराइन का युद्ध हुआ है, ये भाई साहब 1302 में मरेंगे, कोई आदमी 100 साल से ज्यादा जिंदा रहा है क्या? ये है वो, इसको लाएंगे अभी। देख लो, आप लोगों ने तो नहीं पकड़ा, मैडम ने पकड़ लिया भाई, इसमें से ये साल गायब है। हो गया,
तो शुरू करें अब हमारी कहानी। तो देखो अभी आपने क्या क्या सुना आपने कि भाई रण सिंह के दो छोरे हैं, छोरे समझते हो ना, हाँ मतलब दो लड़के हैं, एक लड़का तो बन गया राजा और एक लड़का चला गया सिसोदे गांव में। ठीक वैसे ही, ऐसे ही सुन लो बाद में लिख लेना, कि ये जो समर सिंह है ना, इस समर सिंह के भी हैं दो छोरे, एक छोरा तो बन गया राजा और एक छोरा चल गया आउट ऑफ इंडिया नेपाल, और उसका नाम था कुंभकर्ण। उसने वहां जाकर रावल वंश की स्थापना की। अरे भाई, तो आप ऐसे याद रखना कि नेपाल में रावल वंश की स्थापना किसने की थी, कुंभकर्ण ने, यह भी लिखवाएंगे आपको, ठीक है। अब अपने काम काम की बातें, सीक्वेंस तो आपने बना ही लिया है, अभी देखना अपन पलक झपकते आएंगे यहां पे। अब आपके पास सन है तो आप बता सकते हो कि मेवाड़ का राजा कौन था जब दिल्ली में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी, या भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना के समय राजा कौन था, बता सकते हो इसमें से अपने आप ही। पदम सिंह उसका उत्तर होगा, क्योंकि 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होगी, ठीक है। देखो इसके बारे में ज्यादा कुछ तथ्य है नहीं, सीधा इस पे आते हैं, सामंत सिंह पे। सामंत सिंह का झगड़ा हो गया। देखो भाई, आपने अजमेर के चौहान पढ़े होंगे तो उसमें आपने ऐसा पढ़ा होगा कि अजमेर के चौहान राजा वाकपतिराज सेकंड ने मेवाड़ के राजा अंबा प्रसाद को हराया, और इसी के छोरे ने नाडोल पाली में चौहान वंश की स्थापना की। ये वाला इलाका आपका मेवाड़ हो गया, इस हिस्से में आपका मेवाड़ है, और यहां पर आपका नाडोल पाली है। नाडोल पाली में एक राजकुमार है, चूंकि आपने जो बाद में जालौर में चौहान वंश की स्थापना करेगा, कीर्तिपाल, लक्ष्मण चौहान का छोरा। इस कीर्तिपाल की सगाई तय हुई अजमेर के राजा की बहन के साथ, और राजा थे पृथ्वीराज, पृथ्वीराज, पृथ्वीराज चौहान, तीन हुए पृथ्वीराज। कौन सा लिखूं के लिख दो तीसरा, पृथ्वीराज सेकंड की बहन पृथ्वीबाई। अच्छा, आजकल तो विवाह होते हैं, पता नहीं क्या क्या देख देख के कर लेते हैं, नौकरी भी देखते हैं, सारी चीजें देखते हैं आजकल, तो पहले तो उसकी संपत्ति वगैरह देखते हैं, भाई लोकेशन क्या है, ठीक है। पहले के जमाने में कैसे करते थे शादी, राजनीतिक संबंधों को ध्यान में रखते थे, कि अगर मैंने इसको यहां पर किया ना, इससे शादी की, तो कभी भी मेरा झगड़ा हुआ इधर तो ये सेना लेके चलेगा मेरे साथ, या मेरी सहायता करेगा। तो इसकी सगाई तय हुई किसके साथ, सामंत सिंह के साथ। तो इस बात से नाराज हो गया कीर्तिपाल, और कीर्तिपाल ने हमला कर दिया सामंत सिंह पर, ठीक है। लेकिन आप जानते हो मियां बीबी राजी तो क्या करेगा जी, शादी हो गई, थोड़ा गुस्सा ज्यादा हो गया, गुस्सा ज्यादा हुआ तो आक्रमण कर दिया। आक्रमण जैसे हुआ तो ये भाई साहब भागकर नीचे की तरफ आ गए। अब नीचे ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा आपका, वागड़, और वागड़ में इन्होंने गुहिल वंश की स्थापना की है। तो वागड़ में गुहिल वंश का संस्थापक कौन रहेगा आपके, सामंत सिंह। और इसकी जो राजधानी रहेगी, इसकी राजधानी का नाम था वट प्रदक, जिसको आप वर्तमान में बड़ौदा के नाम से जानते हैं। बड़ौदा गुजरात में है भाई, तो इसका मतलब क्या माने कि इसका जो राज्य था वो इतना बड़ा था, यहां तक फैला हुआ था, ठीक है। इसको तो भगा दिया, तो फिर पीछे से गद्दी पर कौन बैठेगा, कुमार सिंह, इसका भाई बैठेगा। जैसे ही कुमार सिंह बैठा तो कुमार सिंह के सामने सबसे पहली समस्या क्या है कि अपने भाई की हार का बदला लेना, ठीक है। और किसने हराया उसको, कीर्तिपाल ने सामंत सिंह को मेवाड़ से बागड़ भगा दिया, तो कुमार सिंह ने कीर्तिपाल को नाडोल से सीधा जालौर भगा दिया, और ये जाके जालौर में चौहान वंश की स्थापना करेगा 1181-82 में। यही है आपका सन, बदला ले लिया। 87 में महाराज की मृत्यु हो गई, लेकिन कोई संतान नहीं है, तो कहते बुला लो फिर बड़े भैया को। बड़े भैया फिर से आ गए, सामंत सिंह मतलब कितनी बार चला गया, दो बार। अब जैसे ही गया, यहां पर परिस्थितियां चेंज हो चुकी है। क्या हुआ परिस्थितियों में, कि अब राजा पृथ्वीराज सेकंड नहीं, अब पृथ्वीराज थर्ड है,
और आपको पता होगा कि पृथ्वीराज थर्ड का जो सबसे कट्टर दुश्मन था राजा जयचंद तो था ही, लेकिन साथ में उसके पिता का हत्यारा गुजरात के चालुक्य वंश का राजा भी है। तो वो गुजरात के चालुक्यों को अपने कंट्रोल में करना चाहता है कि भाई किसी तरह से मैं गुजरात वालों को शांत रखूं। तो एक तो इसका राज्य कहां तक फैला हुआ है, बड़ौदा गुजरात तक, ऊपर से अगर मेवाड़ भी मिल जाए अपने को तो अच्छी बात होगी कि नहीं होगी, होगी। तो पृथ्वीराज थर्ड ने अपनी बहन, देखो सेकंड ने भी अपनी बहन की शादी करवा रखी है, थर्ड ने भी अपनी बहन की शादी करवाई है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। पृथ्वीराज सेकंड की बहन पृथ्वीबाई, पृथ्वीराज थर्ड की बहन प्रभाबाई, दोनों की शादी किसके साथ हो गई, सामन सिंह के साथ। और फिर युद्ध हुआ आपके कौन सा, तराइन का दूसरा युद्ध। और तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज की ओर से लड़ते हुए कौन मारा जाएगा, सामन सिंह। चैप्टर खत्म। फिर आ जाओ आप, अगला राजा कौन रहेगा, रावल पदम सिंह। और इसी के समय भारत में किसकी स्थापना होगी, दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो गई। किसके काल में, पदम सिंह के काल में। और पदम सिंह के बाद इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन रहेगा, जेत्र सिंह। यहां तक की चार पांच लाइनें लिख लो, ये थोड़ा अच्छा राजा है, इसके बारे में ज्यादा लिखना होगा अपने को, ठीक है, लिखो। इसका तो नाम लिख के छोड़ दो, इतना ही काम किया है इसने तो, बस संस्थापक में आ गया ना इसका नाम। अब आप लिखो रावल सामंत सिंह, रावल सामंत सिंह 1172 से 79 लिखे। पृथ्वीराज सेकंड की बहन, पृथ्वीराज सेकंड की बहन ये तो ले जा, पृथ्वीराज सेकंड की बहन पृथ्वीबाई से विवाह के कारण, विवाह के कारण नाडोल के चौहान राजकुमार, विवाह के कारण नाडोल के, नाडोलपाली, नाडोल के चौहान राजकुमार कीर्तिपाल ने शुरू से बोल दूं एक बार, चौहान राजकुमार कीर्तिपाल ने सामंत सिंह पर आक्रमण कर, सामंत सिंह पर आक्रमण कर उसे मेवाड़ से भगा दिया, दोबारा बोलूं स्टार्टिंग से, कीर्तिपाल से आगे, कीर्तिपाल ने आक्रमण कर उसे मेवाड़ से भगा दिया, भगा दिए, कोई दिक्कत नहीं हुई, तुम्हें गायक होगी भाई, ठीक है। सामंत सिंह ने वागड़ क्षेत्र में, सामंत सिंह ने वागड़ क्षेत्र में वागड़ क्षेत्र में, अब रुक जाओ, देखो सारे प्रश्न कोई टीचर नहीं लिखवा सकता, ना मैं लिखवा सकता हूं ना कोई और लिखवा सकता है, कुछ प्रश्न आपको यहां से भी करने होंगे, कुछ क्या वैसे तो सारे यहीं से करने हैं, है ना। अब वागड़ क्षेत्र में आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा आएंगे क्या, आ जाएंगे। आप डूंगरपुर बांसवाड़ा के किसी भी राजा का नाम लेके देख लो, उनके साथ में आपको रावल दिखाई देगा, महारावल। वो अपने आप को महारावल क्यों कहते हैं, क्योंकि सिसोदिया उनसे छोटे रह जाएंगे, सिसोदिया तो बाद के हैं और रावल पहले के हैं, इसलिए उनकी उपाधि क्या रहेगी, महारावल, कि हम बड़े हैं तुम तो छोटे हो हमसे, ठीक है। यह है कारण इनको महारावल कहलाने का, ठीक है। वागड़ क्षेत्र में गुहिल वंश की स्थापना की, वागड़ क्षेत्र में गुहिल वंश की स्थापना की, जिसकी राजधानी
जिसकी राजधानी क्या है? वट प्रदक, ब्रैकेट में बड़ौदा थी, वट प्रदक ब्रैकेट में बड़ौदा थी, ठीक है। पृथ्वीराज थर्ड की बहन, प्रभा बाई का विवाह भी, पृथ्वीराज थर्ड की बहन प्रभा बाई का विवाह, सामंत सिंह से हुआ, सामंत सिंह तराइन के दूसरे युद्ध में, पृथ्वीराज की ओर से, पृथ्वीराज चौहान की ओर से लड़ते हुए मारा गया। लिखे रावल कुमार सिंह, सेवेंटी नाइन से एटी सेवन, इसमें लिखना नाडोल के कीर्तिपाल को, हराकर सामंत सिंह की हार का बदला लिया, किसने? हारकर या हराकर? हराकर ही लिखा है ना। हाँ, अब लिखो रावल पदम सिंह। तो एक एक लाइनों के राजा है ये तो। रावल पदम सिंह, ग्यारह सौ बानवे से 1213, इसी के काल में भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, हो गई। अब लिखो रावल जेत्र सिंह, शासनकाल लिख लीजिएगा 1213 से 1253, 1213 से 1253। सुनो भाई, रावल जेत्र सिंह शासनकाल क्या रहा? 1213 से 1253। आपके पास सभी के शासनकाल लिखे हुए हैं, ना? क्या सबसे लंबा शासनकाल इसी का है क्या कुहिल वंश में? इसी का है। सुनो भाई, एक तो इतिहासकार हुए डॉक्टर दशरथ शर्मा, नाम सुना होगा आपने, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इसके शासनकाल को मध्यकालीन मेवाड़ का
मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल कहा है? मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल किसके काल को कहते हैं? रावल जेत्र सिंह के काल को कहते हैं। एक इस भाई साहब की उपाधि है, उपाधि है रणरसिक। रणरसिक का मतलब क्या है? युद्ध का प्रिय, कि जिसको युद्ध बहुत अच्छे लगते हैं। अब ऐसी आपके दो उपाधियां हैं, एक तो है आपकी रणहस्तीन जो गुज्जर प्रतिहार वंश के राजा वत्सराज की है। रणहस्तीन किसकी है? वत्सराज की। और रणरसिक जेत्र सिंह की। और राणो रासो आपके महाराणा कुंभा की, ठीक है। रणहस्तीन आपके किसकी है? वत्सराज। और रणरसिक जेत्र सिंह की है। आगे सुनो, अब वैसे अगर काउंटिंग करोगे ना दिल्ली सुल्तानों की, तो 6 दिल्ली सुल्तानों का समकालीन है। लेकिन आरपीएससी ने अपने पूर्व के प्रश्न पत्रों में एक प्रश्न में इसका उत्तर क्या माना कि ये भाई साहब 7 दिल्ली सुल्तानों के समकालीन है। तो आपको यह भी याद रखना है कि भाई 7 दिल्ली सुल्तानों का समकालीन कौन है? जेत्र सिंह है, मेवाड़ शासकों में, ठीक है। फिर क्या किसी के साथ इसका झगड़ा भी हुआ है क्या? कि भाई हुआ है, तो फिर युद्ध कराओ, भूताला का युद्ध। कौन सा ताला? भूताला का युद्ध। अब भूताला का युद्ध कब हो रहा है आपके? 1227-28 में। किस किस के बीच हो रहा है? जेत्र सिंह, और सामने कौन है? दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश। जीतेगा कौन बताओ? परिणाम क्या निकलेगा? जेत्र सिंह विजयी रहा। और यह इस पूरे राजस्थान का एकमात्र ऐसा राजा है जिसने इल्तुतमिश को किसी युद्ध में हराया हो। यानी इल्तुतमिश को सैनिक हार देने वाला कौन है? आपका जेत्र सिंह। और इस युद्ध की जानकारी आपको किसमें मिलेगी? एक पुस्तक है हमीर मद मर्दन, हमीर मद मर्दन। पुस्तक का लेखक कौन है? जयसिंह सूरी, ठीक है। अब आप कहेंगे कि साहब हमीर तो वो पढ़ा है हमने, सिंह सवन सत्पुरुष वचन कदली फल इकबार तिरिया तेल हमीर अट चढ़े ना दूजी बार। कमिटमेंट का पक्का, एक बार कमिटमेंट कर दे तो अपने आप की भी नहीं सुनता। ये वो वाला हमीर नहीं है। इस पुस्तक में हमीर किसको कहा गया है ये ध्यान रखना। इस पुस्तक में हमीर कहा गया है इल्तुतमिश को, क्योंकि जिद लेके बैठा है कि भाई मैं मेवाड़ को जीतूंगा, लेकिन जीत नहीं पाया है, ठीक है। इसके अलावा 1248 में जब दिल्ली सुल्तान है आपके नासिरुद्दीन महमूद, इसने भी मेवाड़ पर हमला किया, लेकिन जेत्र सिंह ने इसको भी हरा दिया, ठीक है। जेत्र सिंह के प्रसिद्ध सेनापतियों में आपको किस किस के नाम याद रखने हैं? सेनापति एक का नाम बहुत अच्छा है, पढ़ते ही याद हो जाएगा, ठीक है। दूसरे का तो इससे भी सीधा है, तीसरा वाला थोड़ा टेढ़ा है ना। तलारक्ष पमराज, ठीक है। हर युद्ध किसी ना किसी सेनापति की वीरता के साथ में जुड़ा हुआ है, तो फिर भूताला के युद्ध में भी कोई सेनापति रहा होगा। भूताला के युद्ध में तलारक्ष पमराज लड़ते हुए मारा गया, ठीक है। इस युद्ध में इसकी ओर से लड़ते हुए कौन मारा जाएगा? वैसे तो और भी मारे जाएंगे, लेकिन अपने लिए सेनापति के रूप में कौन मरेगा? तलारक्ष पमराज। यहां तक का लिख लेते हैं, चाय भाई तो आप लोग पीते ही नहीं हो, लिखो। हाँ जी, रावल जेत्र सिंह 1213 से 1253, इसके शासनकाल को
डॉक्टर दशरथ शर्मा ने मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल कहा है, गोल्डन पीरियड स्वर्ण काल कहा है, मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल कहा है। लिखे उपाधि, रणरसिक, युद्ध का प्रिय, नेक्स्ट लिखे यह सात दिल्ली सुल्तानों का समकालीन था, लिखे प्रसिद्ध सेनापति, बालक मदन, तलारक्ष पमराज, लिख लिए। हेडिंग बनाओ भूताला का युद्ध, कौन सा ताला? भूताला, का युद्ध 1227-28। अब इसका मतलब तो समझिए, शॉर्ट में लिख लेंगे अपन ऐसे। हो गया। लिखें इस युद्ध की जानकारी, जयसिंह सूरी की पुस्तक, हमीद मर्दन, हमीर मद मर्दन में मिलती है। इसमें हमीर, किसको कहा गया है? इल्तुतमिश को कहा गया है। नेक्स्ट, जेत्र सिंह ने 1248 में 1248 में दिल्ली सुल्तान